नमस्कार मणि प्यार, आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कर्नल लंबा जी का है, वन मैन ऑफ आर्मी, इनका एक ट्वीट निकल के आ गया जो आई लव आई लाइक इट। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काम करता है ना उसको मालूम होता है सारा कुछ। जैसे मान लीजिए मैंने भी आज डॉक्यूमेंट करेक्शन का एक वीडियो बनाया, तो उसमें मुझे भी यहाँ डाउट लगा कि यार ये जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं ये क्यों मांगे जा रहे हैं। जबकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहली गलती देखिए, व्हाट इज़ द फैमिली डीओबी, व्हाई वर्थ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट व्हेन द डीओबी इज गिवन इन पीपीओ। जब पीपीओ में यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ का दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे ये बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट ये क्यों मांग रहे हैं। पीपीओ में है ना ये सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ है ना उसमें। जब उसको हम अपडेट करने के लिए जा रहे हैं तो उसको अपडेट करने दो। आप पीपीओ जो जनरेट किया उसमें सही है ना। फिर इसके बाद में आता है कि डिस्ट्रिक्ट कोड बाई ड्राइविंग पासपोर्ट। अभी हर एक के पास पासपोर्ट है क्या? अब ये बात सोचने की होती है कि सबके पास पासपोर्ट है क्या? नहीं, अभी यहाँ पासपोर्ट, अब एक चीज़ और है यहाँ पे दिखा हुआ था, ये इसमें ऊपर एक चीज़ नहीं दी इसमें उन्होंने, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें एक आइडेंटिफाई के लिए मांगा, एक तो पासपोर्ट मांगा है और एक सिटीजन सर्टिफिकेट मांगा है। हाँ, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, तो वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, ये सब लोगों के पास नहीं होता है, सब लोगों के पास नहीं होता है, सब लोगों के पास नहीं होगा तो फिर उसको वो कैसे करेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट को। अभी यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे क्या है कि स्टेट जो दी है वो सबकी महाराष्ट्र दे दी है। अब अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र, मतलब का जो 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 महाराष्ट्र में अलीगढ़ कहाँ से आ गया? तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उन्हीं के सामने आती है जो उसको फेस करता है। चलिए, अब यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कोड को इम्प्लीमेंट के लिए आप लोग ये जी पासपोर्ट मांग रहे हैं, मतलब ये मतलब ये आप उसको वेरीफाई करने के लिए पासपोर्ट मांग रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग रहे हैं। चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल ओके, ये कोई बात नहीं, इसको हम दे देंगे और ड्राइविंग लाइसेंस भी दे देंगे, लेकिन पासपोर्ट कहाँ से देंगे? पासपोर्ट अब इसको सुधारने के लिए हम लोग पासपोर्ट बनवाएं, उसके बाद यहाँ पर उसको अप्लाई करें। जबकि यहाँ आधार कार्ड, पीपीओ और बैंक अकाउंट नंबर, जो तीनों चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, उन सब में यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कोड दिया हुआ है, एड्रेस पूरा कंफर्म दिया हुआ है। ठीक है, अभी पेंशनर स्टेट कोड अनवांटेड, तो यहाँ ये चीज़ सही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर टीओबी, आप लोग के बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर, डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग लाइसेंस, ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको लाइक कर देता हूँ, आप भी लाइक करें। और यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरी और हमारे पास एक खबर निकल के आ रही है, जो है वो है मेजर जनरल सतबीर साहब का। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि अपना जो ट्वीट किया है उसमें इसका रिप्लाई किया है, जो मैंने कल वीडियो डाली थी ट्वीट की, आज उसमें रिप्लाई एक आया है इनके, विवेक फौजी, इनको इनको उन्होंने पीएमओ इंडिया को ऐसे टैग करके यहाँ पर रिप्लाई दिया है कि हम सभी ऑल रैंक्स ESM अपना हक जरूर लेके रहेंगे। जिस तरीके से आपने ORP में फर्स्ट में यहाँ PMR को ORP दिया था, लेकिन सरकार ने ORP 2 में भी PMR को ORP देना चाहिए, इसलिए इस लेटर मेरी ये इशू उठाया है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये जो लेटर डाला है PMO इंडिया जी इंडिया को, तो यहाँ पर उसमें उन्होंने ये बात उठाई है कि आप लोग जब आपने ORP फर्स्ट में दिया था PMR को, तो आप सेकंड में भी दो आपको देना चाहिए। पर वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।